राम राम बहनों, मैं आज आपको थोड़ी सी सांझी के बारे में बता रही हूँ कि ये जो सांझी की परंपरा है फिलहाल लुप्त होती जा रही है, इसको कैसे मनाया जाता है। आशोज के महीने में इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि नवरात्रों में इनकी पूजा करनी होती है। तो 4-5 दिन पहले लड़कियाँ गाँव में खदानों से मिट्टी लाकर दिए बनाती, मुखौटे बनाती है, दीवार पर गोबर लगाकर फिर इस पे ये मुखौटे और ये जो सितारे बनाती है उनसे सांझी तैयार की जाती है। इन मिट्टी के जो सितारे बनाए गए हैं इनको ऊपर गेरू और खड़िया आदि से रंगा जाता है इनको, और सजाने के लिए 16 श्रृंगार लिए जाते हैं। आजकल तो बाज़ार में तैयार मिलता है सभी सामान, पहले तो गेरू और खड़वे से और तवे की कालस से ही श्रृंगार किया जाता था। 10 दिन तक रोज़ सांझी की पूजा की जाती है। इसमें लड़कियां अपने भाई भाभियों और अपने के लिए प्रार्थना करती हैं। 8वें दिन एक भाई गाला जाता है जो अपनी सांझी बहन को लेने आता है, और 10वें दिन इनका विसर्जन हो जाता है। इसमें एक गीत भी गाता है, मैं तेने बुझू सांझी के तेरे भाई, 5-50 भतीजे 9-10 भाई, ए बाण के तेरे ब्याह, भाया का ब्याह रचाया, कह की सगाई नो का ब्याह, 10 की सजाई। ऐसे एक और भी गाया जाता है, सांझा माई खोल के वाड़ी का एक भी गीत गाए जाते हैं। आरता भी गाया जाता है, आरती की फूल चमेली की बाती, 9 औरतें माता की आरती आरता गाया जाता है। हे मेरी वे लड़कियाँ मिलजुल कर 10 दिन के तक इनकी पूजा करती हैं। रोज़ शाम को भोग लगाया जाता है, सभी मिलजुल कर उस खाना खाती हैं। ये 10 दिन लड़कियों के बड़े आनंद से गुजरते हैं। 10वें दिन विदाई होती है, सांझे को उतार के एक हांडी में डाला जाता है, और एक हांडी जिसमें मुँह होता है उसमें दिया जोड़ा जाता है, और फिर इनको झोड़ में ले जाते हैं बहाने के लिए। वहाँ लड़के तैयार होते हैं इसे तोड़ने के लिए, और वो उनको दूसरे पार नहीं देना चाहते। तो बड़ी मस्ती और माहौल का दिन होते हैं, लेकिन अब ये सब ख़त्म होता जा रहा है। मैं इस माध्यम से थोड़ी सी आपको, मेरा मकसद यही था दिखाने का कि हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, इसको हमें बचाना चाहिए। गाँव में तो अभी भी है, कुछ गाँव में है, लेकिन शहरों में ये अब थोड़ा सा लुप्त हो जा रहा है, क्योंकि मिट्टी कहाँ मिलती है, गोबर कहाँ मिलता है, अब तो बाज़ार में तैयार ही मिलती है सांझे की तस्वीर, उसी को पूजा करते हैं। तो इसी जानकारी के साथ अब मैं आपसे विदा ले रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि क्या आगे बढ़ना है नहीं। नमस्ते जी।